आपको तो पुलिस चौकी में आना चाहिए था ना। कहे अभी नहीं आना था। इतना हड़बड़ी क्या था आपको निकलने के लिए? ये देख रहे हैं गाड़ी घोड़ा तैयार किए हुए थे, सोचे थे कि आपको लेने के लिए जाएंगे सम्मान के साथ में, तनी हम फोटो वोटो खिंचवाते, हमारा नेतागिरी चमकता, तनी आपका भी चमकता जी। आप लोग के दिमाग में क्या मतलब नाइट्रोजन भरा हुआ है, दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं, सारा प्लान चौपट कर दिया आप लोग। अरे विधायक जी दोबारा से चले जाएंगे, क्रिकेट का मैच हो रहा है, है? रिप्ले चल रहा है का, दोबारा चले जाएंगे दोबारा से? अरे किसका प्लान था आपको छुड़वाने का, किस काबिल इंसान का था? आइडिया क्या हम छुड़वा लिए? छुड़वाया विधायक। ये कौन है सर? पंचायत सचिव फुलेरा। सचिव जी हैं? सचिव जी। तुम सचिव हो जी, तुमको तो वकील होना चाहिए। विधायक जी अगर आपका यही प्लान था तो आप प्रधान जी को पहले बता देते तो वही तो अबे साले ए, तू विधायक को बताएगा, तू चंद्रकिशोर सिंह को बताएगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं? दो कौड़ी का सचिव है, हमको राजनीति सिखाएगा तू? नहीं भोसड़ी के तुम्हारे जैसे को 10 ठोकर रखते हम कुर्ता के जेब में बे। तुम्हारा जो टोन है ना बोलने का, टोन नीचे करके बात कर, समझा कि नहीं? औकात में रहा करो। जान तो बता दो तुमको औकात हम अभी दुबे जी इसको लेके जाइए, आपका लिहाज कर रहे हैं, यहाँ हम उसको टांग देते पेड़ पे उल्टा। ठीक है ले जा रहे हैं, आप जरा वो रोड का कर दीजिए हमारा बस। हाँ यहाँ आइए। देखिए दुबे जी, एक नेता को क्या चाहिए होता है? भीड़ चाहिए होता है, हाथ में माइक चाहिए होता है, समझे कि नहीं? आप अपने गांव जाइए, वहां पे भीड़ जमा कीजिए, हमको बुलाइए, हमारे हाथ में माइक थमाइए, हम आप पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके पहले हम देख लेंगे ना कि आप इन्वेस्टमेंट करने लायक हैं कि नहीं, काम बोलता है दुबे जी। ठीक है।